Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का जहां एक तरफ एक्शन जारी है, तो वहीं विलेज डिफेंस फोर्स को भी लगातार तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीरें विलेज डिफेंस फोर्स की ही हैं, जिन्हें बेहद अच्छी ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है, ताकि दुश्मनों से अगर इनका सामना हो तो ये दुश्मन आतंकी को वहीं गोली मारकर ढेर कर दे। इसके लिए सिर्फ इन्हें अत्याधुनिक हथियार नहीं बल्कि शूटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, ताकि ये बेहतर निशाना लगा पाए। सुनिए वहां ट्रेनिंग लेते एक शख्स ने क्या कुछ बताया है। ये सर, हमें 5 दिन की ट्रेनिंग कराई गई है सरकार की तरफ से, SLR की। तो ये सरकार की तरफ से हमें बहुत अच्छा लगा, ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो सरकार की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम तो ये 303 से 30 साल से मुकाबला कर रहे हैं आतंकवाद का, तो अभी तो हमें ऑटोमेटिक वेपन मिल रहा है जैसे SLR, तो हम तो और इसके साथ डट के मुकाबला करेंगे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, भारतीय सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये कदम पहला उठाया कि इनको BDG को और मजबूत किया जाए, इनको सेमी ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए। और साथ में एक बात सरकार से हम अपने डिपार्टमेंट से जरूर कहना चाहते हैं कि 4000 रुपया जो हमें पे मिलती है इसे बढ़ाया जाए। सुरक्षा बल लगातार घने जंगलों में सर्च अभियान चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से आतंकियों की धरपकड़ हो रही है। तमाम एजेंसियां भी सक्रिय हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से जम्मू में आतंकवादी वारदातें बढ़ गईं, उसे देखते हुए विलेज डिफेंस फोर्स को दोबारा से मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि विलेज डिफेंस फोर्स में ज्यादा लोगों को शामिल कराया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, ताकि दुश्मन आतंकी कहीं भी छुपा हो उसे ढेर कर दिया जाए। सर, हमारी ट्रेनिंग पहले चल रही थी, पुलिस लाइन में लेकर गए थे हमारे को, पहले 3R की ट्रेनिंग दी, तो 3R की तो पहले ट्रेनिंग थी हमारे को, अभी हमारे को SLR की ट्रेनिंग दी है। कैसे खोलना है, कैसे इसको जोड़ना है, कैसे अम्बूस लगाना है, पोजीशन कौन सी लेनी है, स्टैटरिंग पोजीशन लेनी है या नीलिंग पोजीशन लेनी है या लेटकर पोजीशन लेनी है, या कोई आगे से कोई ऐसा बंदा उग्रवादी कोई आया है उससे कैसे बचना है, कैसे आड़ लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, हमारे को तो कम से कम 1990 की है हमारे पास जे रखना, इससे हम लोग जितना भी लड़ रहे हैं इससे लड़ रहे हैं। अभी हमारे को जब SLR मिलेगी तो हम लोग डट के मुकाबला करेंगे, जब पाकिस्तान आ जाएगा जहाँ उग्रवादी आ जाएगा सर, उससे डट के मुकाबला करेंगे, हमारी जान भी चली जाएगी, नहीं तो देश के लिए हम लोग लड़ेंगे सर। जिस तरह से विलेज डिफेंस फोर्स लगातार एक्शन की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए ये लगता है कि ग्रामीणों का मनोबल इस वक्त बहुत ऊपर है, और ऐसे में अगर दुश्मन आतंकी पहाड़ों से उतरकर गांव की तरफ आते हैं तो फिर इनका सामना होगा विलेज डिफेंस फोर्स से, और नतीजा सबको मालूम है कि आतंकी अगर आएगा तो यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।